दोस्तों महाराष्ट्र में इस समय काफ़ी सारे रोड्स, हाईवे और एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस राज्य में रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी वो राज्य उतना ही जल्दी ग्रो होगा, डेवलपमेंट बूस्ट होगा और रोजगार बढ़ेगा। महाराष्ट्र सरकार का टारगेट है कि राज्य में 5000 किलोमीटर के एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाए जाएं। इसलिए महाराष्ट्र में अभी काफ़ी सारे हाईवे और एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, जिनमें से कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ प्रपोज्ड हैं और कुछ प्लान किए जा रहे हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम महाराष्ट्र के नए हाईवे और एक्सप्रेसवे के बारे में डिस्कस करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने शहर का नाम बताएं। तो सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के उस एक्सप्रेसवे के बारे में जो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई को नागपुर से जोड़ता है, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। साल 2019 में कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 701 किलोमीटर। मुंबई से शुरू होकर नागपुर में एंड होने वाले इस एक्सप्रेसवे की लागत है 55,000 करोड़, जहां पर 9 ग्रीन ब्रिज और 17 अंडरपास से महाराष्ट्र के 10 जिलों को कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिसमें नागपुर, वर्धा, अमरावती, वासिम, बुल्ढाना, औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, नासिक और ठाणे शामिल है। इस 8-लेन फुल्ली एक्सेस कंट्रोल सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे को EPC मोड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया, जहां पर जंगली जानवरों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया। इसके लिए यहां पर एनिमल ओवर पास बनाए गए। इस एक्सप्रेस वे के जरिए महाराष्ट्र के बड़े बड़े शहरों को जोड़ने में मदद मिलेगी, साथ ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लेबर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और हेल्थ जैसी दूसरी ज़रूरी सेवाओं के लिए ये एक्सप्रेसवे फ़ायदेमंद है। साल 2015 में अनाउंसमेंट के बाद से ये आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर आज ये अपने कंस्ट्रक्शन के आखिरी स्टेज में है, जहां पर नागपुर से शिरडी वाले हिस्से को अगले साल खोलने की बात है। इसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र के एक नए एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका नाम है नागपुर पुणे एक्सप्रेसवे। महाराष्ट्र के दो इम्पोर्टेंट शहर नागपुर और पुणे, इन्हीं दोनों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने और यात्रा के समय को कम करने के लिए एक मल्टी लेन नागपुर पुणे एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने हाल ही में की, जहां पहले नागपुर से पुणे तक जाने में 14 घंटे का वक्त लगता था, वहीं ये सफ़र इस रोड के पूरा होते ही सिर्फ 8 घंटे का रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को लेकर जो रिपोर्ट्स मिली है उसके मुताबिक ये एक 6-लेन रोड होगा, जो नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग को छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद के पास नए प्रस्तावित पुणे छत्रपति संभाजी नगर एक्सेस कंट्रोल ग्रीन एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI इस एक्सप्रेसवे को नए अलाइनमेंट के साथ डेवलप करने की सोच रहा है, जहां इसके रूट को एक्सप्लेन करते हुए गडकरी जी ने कहा, अब लोग पुणे से औरंगाबाद सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंच सकेंगे, साथ ही नागपुर से औरंगाबाद का सफर 5.5 घंटे में पूरा होगा समृद्धि महामार्ग से। दोस्तों इसी के साथ मुंबई से गोवा के बीच एक हाईवे को 4-लेन का बनाया जा रहा है, उसका नाम है मुंबई गोवा हाईवे। जैसा कि नाम से पता चल गया होगा, ये हाईवे मुंबई को गोवा से जोड़ रहा है। मुंबई गोवा हाईवे यानी NH66 को 4-लेन तक बढ़ाने के लिए करीब 13,391 करोड़ रुपए का बजट है। 1270 किलोमीटर लंबे इस नेशनल हाईवे NH66 का 482 किलोमीटर वाला हिस्सा महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। कंप्लीट होने के बाद इस रोड पर ट्रक्स के लिए ले बाई लेंस, बस शेल्टर, रेस्ट एरिया, ड्रिंकिंग वाटर और पब्लिक टॉयलेट जैसी फैसिलिटी के साथ ये हाईवे यात्रा को आसान बनाता है। जहां पहले मुंबई से गोवा जाने में 13 घंटे का वक्त लगता था, इस रोड के कंप्लीट होते ही ये सफ़र सिर्फ 6 से 7 घंटे में हो सकेगा। 4-लेन रोड के शुरू होते ही जाम से छुटकारा मिलेगा, साथ ही यहां पर जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें भी कमी आएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार एक नए 10-लेन एक्सप्रेसवे का प्लान बना रही है, जिसके बारे में बात करने से पहले
सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करें। बात करूं इस नए एक्सप्रेसवे की तो इसका नाम है नासिक पुणे एक्सप्रेसवे। जैसा कि नाम से पता चल गया है ये एक्सप्रेसवे नासिक को पुणे से कनेक्ट कर रहा है। सरकार का प्लान है 180 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को 10 लेन का बनाया जाए, जहां मुंबई और पुणे पहले ही एक एक्सप्रेसवे से जुड़ चुके हैं, वहीं मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे मुंबई को नागपुर से जोड़ रहा है, जबकि मुंबई और पुणे पहले से ही एक एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार पुणे नासिक एक्सप्रेसवे मुंबई नासिक और पुणे के बीच यहां पर तेजी से विकसित हो रहे गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र के बीच शेष मार्ग को पूरा करता है। पुणे नासिक एक्सप्रेसवे का जो अलाइनमेंट है वो जिले के जुन्नेर अम्बेगांव और खेल से होकर नागर जिले के संगम नेर से होकर और नासिक जिले सिन्नार से होकर गुजर रहा है। अगर आप भी कभी इन जिलों से गुजरे हैं तो कमेंट करिए। साथ ही ये भी जान लें कि इस एक्सप्रेसवे पर विमान लैंडिंग और टेक ऑफ हो सकेंगे और सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ पर हर 5 किलोमीटर में इमरजेंसी टेलीफोन की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर को गोवा से जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे की अनाउंसमेंट की, जिसका नाम है नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे। नागपुर और गोवा के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने और दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करने के लिए इस मल्टी लेन नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। इसकी अनाउंसमेंट महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कुछ समय पहले ही कर चुके हैं। राज्य में 5000 किलोमीटर के एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे प्रपोज्ड हैं, जिनमें से एक है नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक 6 लेन रोड होगा जो विदर्भ मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से होकर गुजरेगा, जहां पहले नागपुर से गोवा जाने में करीब 21 घंटे लग जाते थे, वहीं इसके शुरू होते ही ये यात्रा सिर्फ 8 से 10 घंटे की रहने वाली है। नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे बन जाने से ये क्षेत्र के लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग को बढ़ावा देगा, जिससे एक्सप्रेसवे लिंकेज के कारण नागपुर शहर भारत के आर्थिक विकास की कहानी का केंद्र बिंदु बन पाएगा। फाइनली अब बात करते हैं महाराष्ट्र के उस एक्सप्रेसवे के बारे में जो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। महाराष्ट्र में बनाया जाने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसे अगले साल तक खोला जाना है, दिल्ली से शुरू होकर महाराष्ट्र के मुंबई में एंड होने वाले देश का सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की लंबाई है 1350 किलोमीटर। और इतनी लंबी दूरी को तय करते हुए ये देश के 6 राज्यों से होकर गुजर रहा है, जहां दिल्ली मुंबई मध्य प्रदेश हरियाणा गुजरात और राजस्थान शामिल हैं। इस एक्सप्रेसवे में लगने वाले खर्च की बात करें तो इसमें कुल 1,00,000 करोड़ खर्च होने की उम्मीद है। देश का पहला ऐसा हाईवे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से डिज़ाइन किया गया। ये एक 8 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिस पर गाड़ियां 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी। ये एक्सप्रेसवे मुंबई से दिल्ली के बीच बोरिंग यात्रा को आसान और मज़ेदार बनाने वाला है। ये एक्सप्रेसवे भारत के 6 मेजर राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, जिससे भारत में बिजनेस इंडस्ट्री लॉजिस्टिक और सबसे ज़रूरी रोजगार के नए अवसर क्रिएट करेगा। तो दोस्तों, ये थे महाराष्ट्र के नए एक्सप्रेसवे। इनमें से जिस एक्सप्रेसवे का आपको इंतज़ार है कमेंट में उसका नाम जरूर लिखें।